आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर लगातार कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस बार फिर भजनलाल सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, केंद्र को पत्र लिखा है और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग की गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, भजनलाल सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की ओर एक कदम आगे बढ़ा रही है। केंद्र से उन्होंने गुजारिश की है, सिफारिश की है, एक पत्र लिखा है कि राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दी जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में देखा जा रहा है कि वहां की खुद की भाषा है। ओडिशा की बात करें वहां की भाषा है, गुजरात की बात करें वहां की भाषा है, लेकिन राजस्थान हमेशा से इस बात को लेकर के संघर्षरत है कि राजस्थान की राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। करणवीर जी, बिल्कुल आशीष जी, ये बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान वासियों को राजस्थानी भाषा मिलनी चाहिए थी और इसके प्रयास लगातार समय से होते रहे हैं और इस भजनलाल सरकार ने भी ये प्रयास किया है, अच्छी बात है। परंतु ये हमारे लिए भी एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस भाषा को बच्चा जन्म से अपनी माँ की गोद में रहते हुए उस भाषा का पहला उच्चारण करता है और उसे लगातार प्रयासों के बाद, इतने 72 साल 75 साल हो गए हैं लगातार इन प्रयासों के बाद भी, उसे कई कारणों के कारण, कुछ कई वैज्ञानिक कारण रहे, कई साइंटिफिक रीजन रहे, जिसकी वजह से इसको मान्यता नहीं मिल पाई है। फिर भी अगर प्रयास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, राजस्थान के प्रदेशवासियों को इस भाषा का मान सम्मान मिलना चाहिए, इसे संवैधानिक वैधता मिलनी चाहिए और इसके प्रयास होने चाहिए। हमारी सरकार के समय में भी बहुत प्रयास हुए थे, लगातार 3 सितंबर 2003 को विधेयक पारित भी किया गया था, बिल भी उसको केंद्र को भेजा गया था और अभी उसकी सुनवाई चल रही है। उसके कई रीजन रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और लगातार इस तरह के प्रयास सरकार कर रही है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, कांग्रेस इसके फेवर में ही है। लेकिन 5 साल आपकी सरकार भी रही, गहलोत सरकार 5 साल सत्ता में रही, कांग्रेस के हाथों में सत्ता रही, लेकिन फिर भी मान्यता को लेकर के जो प्रयास, जो काम आज भजनलाल सरकार ने शुरू किए हैं और अब एक उम्मीद जागी है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल सकती है, केंद्र को पत्र लिखा गया है, तो क्या 5 साल में कोई प्रयास ऐसा नहीं है आशीष जी? कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही इसको मान्यता के लिए लगातार प्रयास करती रही है। राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के वास्ते विधानसभा हो चाहे संसद हो, बराबर आवाज उठाई गई है और उठाते रहेंगे। इसके साथ ही आप देखिए तो 1962 के अंदर डॉक्टर लक्ष्मी अटल जी सिंधवी, जो जोधपुर के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने इसकी बात उठाई। बरस 1970 के अंदर बीकानेर के सांसद डॉक्टर कन्नी सिंह जी थे, उन्होंने ये बात उठाई। पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो राज्यसभा सांसद थी राजस्थान की और वो विधानसभा दोनों में उन्होंने प्रयास किए। इसके अलावा और भी कई सांसद और विधायक हैं जिन्होंने लगातार प्रयास किए, जिसमें पूनम चंद विश्नोई है, के सिंह जी राठौड़ है, इन सभी लोगों ने लगातार प्रयास किए और इसी प्रयास का नतीजा है कि 2003 के अंदर एक विधेयक पारित कर केंद्र को भेजा गया, उसके ऊपर सुनवाई की। और इसके इस बारे में भी मैं आपको बताता चलूंगा, इतिहास की बात है। राज्यसभा के अंदर अभिषेक मनु सिंधवी जी ने यह सवाल लगाया था कि राजस्थान की भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, उसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रकाश जायसवाल जी ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा था कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक या बिल हमारे पास आया है राजस्थान की विधानसभा से और उस पर टेक्निकली विचार चल रहा है और उसको पर लगातार बातचीत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करती रही है। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो प्रयास किए ही हैं, पिछली सरकार का ही मैं मामला बताता हूँ, आपने 5 साल कुछ नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राजस्थानी भाषा को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत मान्यता दी, वहाँ के विद्यार्थियों को ये सुविधा दी कि आप स्कूलों के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर आप क्या परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही आप देखिए कांग्रेस ही थी जिसने कहा भी है और किया भी है, और राजस्थानी में कहा होता ना, सपने नहीं झूठा सपना कौन दिखाया, कर भी दिखाए हुए, तो वैसी एक बात है। आप देखिए स्कूलों के अंदर भी और कॉलेजों के अंदर भी राजस्थानी भाषा को पढ़ाने का काम भी कांग्रेस ही कर गई। आप देखो तो अजमेर के मायने सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय है, वहां पर कांग्रेस के शासन के समय ही भाषा पढ़ावा ला गया बर्तवा ला गया। बीकानेर का मायने डूंगर महाविद्यालय है, उसके अंदर इस भाषा को पढ़ाया, स्कूलों के अंदर इस भाषा को लागू किया। और आप देखिए समाचार पत्रा का मायने भी राजस्थानी भाषा के अंदर छापवा को काम कांग्रेस लगातार करती आई है, मासिक हो चाहे साप्ताहिक हो,
अर्धमासिक हो, सर महीने में दो बार छपने वाले अखबार है, उनकी बात हो, लगातार कांग्रेस ने राजस्थानी भाषा के मान्यता के लिए सदैव प्रयास किए हैं। थोती बातें कौन करी, करके भी दिखाया है। पिछले लगातार समय से ये बिल पड़ा है, 2004 में आखिरी भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल हुई थी आशीष जी, उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने थोते वादे किए, करके क्या दिखाया है, ये सोचने वाली बात है। वर्तमान में इस भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, इसको बीजेपी कांग्रेस में नहीं उलझाना चाहिए, और राजस्थानियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा कि ये भाषा उनको मान्यता करके एक राज्य भाषा के रूप में मिले। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि यहां विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजा गया था, उसके बाद केंद्र ने मान लीजिए 2003 में अटका दिया, तो उसके बाद यूपीए की सरकारें बनी, उन्होंने क्यों नहीं राजस्थानी भाषा को मान्यता दी? मैं तो कह रहा हूं ना, कुछ ऐसे टेक्निकल रीजंस बताए गए, अब उनकी पूर्ति उस समय उसकी पैरवी, उसके बाद आप देखिए 2003 से 2005 तक 8 तक कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उन्होंने ऊपर प्रयास नहीं किए, उसके बाद आप देखिए कांग्रेस ने फिर इसके अंदर विधानसभा के अंदर लगातार इस बात की पैरवी होती रही, पहले भी इस तरह के पत्र जारी होते रहे, पर इसकी पिछले 10 सालों के अंदर कोई चर्चा भी नहीं हुई केंद्र में। मैं तो आपको बहुत मोटी बात बताई, चाहे मैंने अभिषेक मनु सिंघवी का उदाहरण दिया हो, चाहे हमारे पूर्व विधायक पूर्व सांसद विश्नोई जी की बात कही हो, चाहे लक्ष्मी चुंडावत जी की बात कही हो, इन सभी लोगों ने लगातार प्रयास किए थे और 1950 से प्रयास होते आ रहे हैं और ये लगातार प्रयास होते आ रहे हैं। आप ये बताइए 2004 के अंदर आखिरी बार भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया था, उसके बाद में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, तो ये कोई एक सरकार के ऊपर आक्षेप लगाने की बात नहीं, कांग्रेस में तो इसने प्रयास किए राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, उसको राज्य भाषा की अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए। ठीक है सुमित जी, जिस प्रकार से 2003 में कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, विधानसभा में विधेयक पास करके और केंद्र के पास भेजा, लेकिन केंद्र में वाजपेयी वहां सरकार में थे, लेकिन वहां इस भाषा को मान्यता नहीं दी गई, आज भजनलाल सरकार यहां पर इनिशिएट लेकर के इस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव भेज रही है, खत लिख रही है केंद्र को, क्या इतने दिनों तक इस भाषा को इंतजार करना चाहिए था? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए कि आज बहुत ही ये खुशी वाला फैसला है, एक उत्साह के लिए राजस्थान की जनता का वहां ध्यान दिया गया। आप ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए पिछले 50 वर्षों से लगातार प्रयास हो रहे थे, कई आंदोलन भी हुए, कई विज्ञप्तियां जारी हुई, कई जगह बिल्कुल लेटर लिखे गए और कई प्रकार के जो भी तमाम प्रयास होने चाहिए वो सभी प्रयास राजस्थान की जनता द्वारा और समितियां बनकर के प्रयास किए गए, लेकिन लगातार जो 2014 तक यूपीए की जो सरकार रही उनकी कान में जू नहीं रहेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ आप तो ये बताइए 24 में 10 सालों के अंदर इस मामले में एक बार सुन लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की सिफारिश से बिल्कुल सीएस पंत जी ने कि जिस प्रकार से बिल्कुल पूरी एक समिति बना करके रिपोर्ट वहां दी है और जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी, 8वीं अनुसूची में बिल्कुल ये शामिल भी हो चुकी है। तो ये बहुत ही एक खुशी का माहौल है कि राजस्थानी भाषा, जहां तमाम देश के अलग अलग राज्यों में सभी भाषाओं को जहां मान्यता मिली हुई है, राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है मायड़ भाषा, उस मायड़ भाषा को मान्यता नहीं मिली हुई थी, तो इसके लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का निश्चित ही जनता धन्यवाद भी ज्ञापित करेगी और भजनलाल जी सरकार का बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने प्रयास किया, ये प्रयास देखिए कि कोई भी वो एक संत ने कहा है कि दीवार में कील ठोकने के लिए तकिया काम नहीं करता, उसके लिए हथौड़े से काम चलाना पड़ता है, तो झूठे प्रयास और झूठी जुमलेबाजी लगातार कार्य नहीं करती, कार्य करने के लिए पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरा सिस्टम से कार्य करना पड़ता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी होने के नाते लगातार उस प्रयास को लगातार करी। और जिस प्रकार से मात्र 11 महीने में भजनलाल सरकार ने जिस प्रकार से लगातार अपने मैनिफेस्टो के 50%, हमने कहा कि इस रिपोर्ट के साथ में हमने हमारी घोषणा पत्र भी वहां भेजा है कि किस प्रकार से हमने 11 महीने में कार्य कर दिया, तो ये बहुत ही खुशी का पल है कि आज राजस्थान में लगातार कह रहा हूं राजस्थानी मायड़ भाषा को 8वीं अनुसूची की भाषा को मान्यता दिलाने की भारतीय जनता पार्टी कोई एक एग्जांपल आप बता दो, लेकिन वहीं दूसरी ओर
जिस प्रकार से इसको मान्यता मिलने जा रही है, अब ये नहीं बोल रहे कि 20 वर्षों से 30 वर्षों से 50 वर्षों के साथ उदाहरण नहीं, 50 वर्षों देखिए आप अनुशासन बनाए रखिए, आपने बोला शांति रखिए, अब 50 वर्षों से कई आंदोलन हुए, कई प्रकार से बिल्कुल प्रयास किए गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट जीरो था, लेकिन आज हम इस डिबेट में बैठे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा का विषय निश्चित रूप से इसलिए बना है कि राजस्थान में निश्चित ही राजस्थानी भाषा को जो मान्यता मिलने जा रही है उसको लेकर के आज हम बैठे हैं, और ये बहुत खुशी का पल है कि आप देखिए। लेकिन मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा था आशीष जी, कि दूसरी ओर जिस प्रकार अभी इनके गठबंधन इंडी गठबंधन के नेता हनुमान बेनीवाल जी ने अभी कहा था धरती धोरारी, अभी मैं बिल्कुल धरती धोरारी को लेकर के एक अपमानजनक शब्द जिस प्रकार से कहे थे, मैं समझता हूं ये धरती माता बिल्कुल इन्होंने हमेशा इस बात को कभी स्वीकार किया ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी इस भारत माता को धरती माता को सबसे पहले महत्व देती है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़े। और माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी का धन्यवाद है जो कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वहां रिपोर्ट पेश की, वहां पर बिल्कुल हमारे को जो सकारात्मक परिणाम देखने को अगले महीने निश्चित ही 10-15-20 दिन के अंदर ये परिणाम आएंगे सुखद, और राजस्थान के तमाम उन मुद्दों को जो राजस्थान को आवश्यकता थी उन्हीं के साथ में अब राजस्थान को ये राजस्थानी मायड़ भाषा की बिल्कुल यहां मान्यता भी मिलने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल चर्चा से जो प्रयास किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं और ये प्रयास जरूर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे, लेकिन राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर लगातार राजनीति होती रही और ये राजनीति एक साल दो साल नहीं दशकों तक ये राजनीति चलती रही और ये राजस्थानी भाषा आज तक मान्यता नहीं ले पाई। करणवीर जी, आशीष जी, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, पर जिस तरीके से हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस राजनीति करती आई है, मैं तो आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, ये एक पहला वाक्य है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने ऐसा पत्र लिखा है, इसके अलावा आप 72 सालों के इतिहास में चले जाइए, उस संघर्ष में चले जाइए, सिंगल फड़ी फोड़ने का भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता है उसके नेता ने किया होता, उनके मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनके प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किसी ने भी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की पैरवी कभी की हो तो आप उदाहरण सहित मुझे बताएं, सिंगल नाम कोई भी एक नाम इस लेटर को छोड़कर आप बता दो आज से पहले आपने इतिहास में कभी किया हो तो। अब मैं बताता हूं आपको कांग्रेस के प्रयास, कांग्रेस के प्रयास मैंने आपको लगातार बताया कि उनके सांसदों ने विधायकों ने चाहे खेर सिंह राठौड़ हो चाहे डॉक्टर कन्नी सिंह जी हो इन सभी ने लगातार प्रयास किए, लक्ष्मी चुंडाव जी ने भी इसमें लगातार प्रयास किए। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं कि जैसे ही राजस्थान के अंदर जब से देश आजाद हुआ है तब से ये जो अनुसूची में शामिल करने की मांग थी भाषाओं को ये लगातार की जा रही थी, देश के कोने कोने से की जा रही थी। 1950 के अंदर 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, 1967 में सिंधी को मान्यता दी गई, 1992 में 4 भाषाएं जिनमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये सब थी, आखिरी बार 2004 के अंदर बाड़ो डोगरी मैथिली और सांतली भाषा को सम्मिलित किया गया। उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर ये विधेयक पारित किया गया, इसको ये विधेयक और उसको भेजा गया केंद्र को कि हम हमारी विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करते हैं, और लक्ष्मी चुंडावत जी हमारी सांसद थी उन्होंने इसकी पैरवी की, और लोकसभा के अंदर भी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इसके ऊपर लगातार प्रश्न पूछा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जायसवाल जी ने इसके बारे में उनको आश्वस्त किया, उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई इसका जानने का अधिकार आप पूछिए अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से, जिस तरह से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी रखे गई दो बार, एक बार भी उन्होंने कोई काम किया हो तो आप मुझे बताइए। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान की भाषा को मान्यता देने के लिए लगातार प्रयास किए, मैंने पहले भी बताया है हमने प्रयास के साथ साथ राजस्थान के लोगों को 8 करोड़ आवाम को राजस्थानी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था भी की है, चाहे वो स्कूल में करने की बात हो चाहे कॉलेज में करने की बात हो, मैंने बताया आपको सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज महाविद्यालय अजमेर के अंदर राजस्थानी भाषा पढ़ाने की शुरुआत कांग्रेस ने करी, बीकानेर के अंदर डूंगर कॉलेज के अंदर राजस्थानी भाषा को पढ़ाने की शुरुआत कांग्रेस ने की, इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के अंदर भी राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया आदरणीय डोटासरा जी ने, मैंने बता चुका हूं अभी आपको पिछले ही अभी लेटेस्ट की बात है, तो आप तो कह रहे थे इससे पहले क्या हुआ स्टेट ओपन स्कूल के अंदर परीक्षाओं देने के लिए उन्होंने इसकी स्वीकृति दी कि आप राजस्थानी के अंदर भी अपना पेपर लिख सकते हो। इसके अलावा राजस्थानी एक ऐसी भाषा है आशीष जी जी जहां बोलियां ज्यादा बोली जाती है, आप देखिए हिंदी के अंदर 43 से 65 के मराठी के अंदर 65 बोलियां हैं, तेलुगु में 36 है, तमिल में 22 है, राजस्थानी इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें 73 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी हाड़ौती मेवाड़ी और मेवाती इन सभी भाषाओं के मेल से
राजस्थानी भाषा एक अपने आप में एक समृद्ध व्याकरण शब्दकोश को लेके इस सम्मान की ओर देख रही है कि राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में इसे राज्य भाषा बनाए लगातार प्रयास कांग्रेस पार्टी इसका प्रयास करती रही है। मैं तो बुधवार एक बार पुनः निवेदन करना चाह रहा हूं और एवन टीवी के दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिंगल किसी नेता ने अगर राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेके अगर कोई कार्य किया हो, कोई पैरवी की हो, तो आप बताइए। झूठी बातें थोती बातें करने से काम को नहीं चल रहा बाप जी। राजस्थानी भाषा ने अगर मान्यता दिलानी है, उसका सम्मान करना है, तो इसको राज्य भाषा बनाने का काम कीजिए। अब तो इंजन भी दो दो है था कने, अब किस लिए परेशानी आ रही है आप बताइए। भजन लाल जी बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अभी राइजिंग राजस्थान के ऊपर आ रहे हैं वो, उनसे बोला जाए, कहा जाए, जिस तरीके से आप मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हो, वैसे ही राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाओ। प्रायोरिटी का काम तो यह है राजस्थान के लिए। राजस्थान की भाषा को अगर सम्मान देना है तो राजस्थानी भाषा को मान सम्मान दिलाना है तो उसको राज्य भाषा घोषित कीजिए, 8वीं अनुसूची के अंदर उसको शामिल कीजिए। सुमित जी, जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है कि भाजपा नेताओं ने कभी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया, अचानक अभी भजन लाल जी को क्या सूझी है उनकी सरकार में इस ओर कदम उठाया गया, जबकि कई सालों तक, कई दशकों तक इसको लेकर संघर्ष चलता आ रहा है और यूं कहें कि राजनीति ही चलती आ रही थी। देखिए, राजनीति तो हर विषय पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस की आदत पड़ रही है कि शुरू से ही हर विषय को लेकर के राजनीति करना। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, अब अच्छा करने की ओर कदम कर ला रहे हैं। देखिए देखिए, आप जब बोल रहे थे, देखिए अनुशासन, जब ना काम इन्होंने नहीं किया तो उसके बाद भी, अब तो इस बात को स्वीकार करिए कि भजन लाल जी की सरकार किस प्रकार से इस भाषा को बिल्कुल, आप देखिए, मान्यता दिलाने की ओर अग्रसर है। आप रुकिए, आप रुकिए, जिस प्रकार संपूर्ण राजस्थान में आज माहौल, सुमित जी एक बार इनकी एक लाइन सुन लीजिए, फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो प्रयास हुआ है इसकी मैं सराहना करता हूँ, इसकी मैं पैरवी करता हूँ, ये होना चाहिए था। ठीक है, इससे पहले, ठीक है, पूरे 72 साल के इतिहास में कोई भी एक बार यही जवाब दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, तो आप मुझे बताइए, राजनीति करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है। ठीक है, अब सुन लीजिए, झूठी बातें मत कीजिए। करण जी, अब सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से आपने बोला कि बिल्कुल भजनलाल सरकार ने बिल्कुल मान्यता दिलाने का कार्य किया, तो कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार कर लिया, सबसे पहले तो इनका भी धन्यवाद। जिस प्रकार से राजस्थान में आज इस हिंदी के अंतर्गत बिल्कुल जो मारवाड़ी भाषा को, मायड़ भाषा को मान्यता मिलने की ओर अग्रसर है, तो जनता में, राजस्थान की जनता में जिस प्रकार उत्साह का माहौल है, निश्चित ही करोड़ों कंठों को जो मान्यता मिलने वाली है उसके लिए ये एक वेलकम स्टेप, बिल्कुल किस प्रकार से स्वागत योग्य फैसला लिया गया है। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 2003 से 2003 के बाद 2013 तक यूपीए की सरकार रही थी, लेकिन ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार, लेकिन कोई भी प्रयास के लिए प्रयास पूर्ण रूप से करना चाहिए, ना कि सिर्फ जनता को दिखावा। 10 वर्षों में आपने कोई प्रयास नहीं करे। देखिए, हमारे प्रयास जो 2014 से 24 के हैं वो जनता के सामने हैं। और मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल संपूर्ण देश में, राजस्थान की बात की जाए, एक ऐसा वाक्य बता दो जब भाजपा जनता है, किसी नेता ने इस मायड़ भाषा को इसका भी जनता ने अगर परिणाम दिया है। देखिए, मायड़ भाषा को आज हम, मैं बोल रहा हूँ, विषय ही ये डिबेट का इसलिए आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने सिफारिश से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार वहां बिल्कुल रिपोर्ट गई है और मान्यता मिलने वाली है, तो हम इसलिए आज यहां बैठे हैं, तो धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, आप एक और तो स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छी बात है, आप भूतकाल की बात करें, वर्तमान की तो करिए बात, भविष्य की बात बाद में की जाएगी। भूतकाल में तो आपने जो नहीं किया हम उसकी बात नहीं करें, वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राजस्थान में मायड़ भाषा को आज बिल्कुल मान्यता मिलने जा रही है, जनता में जबरदस्त उल्लास का विषय है, बहुत ही उत्साह का माहौल बना हुआ है, करोड़ों कंठों को बिल्कुल जिस प्रकार मान्यता मिलने जा रही है, दशकों से जो राजनीति चल रही थी, कांग्रेस सिर्फ जो राजनीति कर रही थी, वो बिल्कुल आप देखिए जिस प्रकार से, लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए उसको जो सफलता मिल रही है, परिणाम सुखद आ रहे हैं।
आप उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन दोहरी बात मत करिए। बिल्कुल इसके लिए धन्यवाद है जनता का। और बिल्कुल जनता ने पूर्व में इतने, आप कह रहे हैं कि 2003 में अनुसूची में शामिल कराने के लिए हमने प्रयास किए, हमारे सांसद ने किया, लेकिन उस समय आप उसका भुगतान भूल गए। आप देखिए, आप सुनिए, उस समय कितने आंदोलन हुए, कितने आंदोलन हुए, कितने ज्ञापन दिए गए, कितने धरने हुए, उन आंदोलनों में भारतीय जनता पार्टी का आदि हृदय पूरा चाह रहा हूं, उन आंदोलनों में बीजेपी थी क्या, लेकिन बीजेपी थी क्या? राजस्थान की जनता ने कोई अभी आंदोलन नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री बिना जनता के जिस प्रकार से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की ओर अग्रसर है, हम जानते हैं कि जब हम सत्ता में आते हैं, जनता से वोट मांगते हैं, हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से बिल्कुल अपना सब कुछ तो वो हम प्रयास नहीं किए। अगले 5 वर्ष राजस्थान की को लेकर के इस अनुशासन पार्टी के साथ में क्या कह रहा हूँ, ना कि हमको धरना देने का, मतलब जनता का हम इंतजार नहीं करते कि वो धरना दे, वो ज्ञापन दे, वो किसी प्रकार का बिल्कुल मतलब आंदोलन करे। आप देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन रूप से संगठन के बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ में हर प्रयास को लगातार अग्रसर है। आशीष जी, अग्रणी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सीताराम महामात्रा कमेटी किया जा रहा है, देखिए राजस्थानी भाषा की बात कर रहा हूं, सुन लो, इसका फैसला सुन लो मेरी बात, माननीय न्यायालय करेगा, सुन तो लीजिए, न्यायालय न्यायालय कहां चलेगा, सुन लीजिए, नहीं बिल्कुल न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का न्यायालय, रुक तो जाइए, कहां न्यायालय चले गया, कहां न्यायालय चले गए, जुमलेबाजी भी सुन लेते हो आप विषय में रहिए ना, जुमलेबाजी क्यों कर रहे हो, चलिए समय की सीमा है, एक मिनट नहीं चलेगा, ठीक है, जो सत्य है वो सत्य सामने आ रहा है, ठीक है, करणवीर जी 30 सेकंड जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। आशीष जी, सीताकांत महापात्रा की कमेटी जिसके आधार पर ये बिल जो विधेयक था ये संशोधित होकर वहां ये गया था 2003 के अंदर, उसको क्या ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जिनके दो इंजन है, राजस्थान में तो कुछ नहीं करना आपको, आप तो केंद्र से हरी झंडी दिलवा दीजिए, राजस्थान की जनता को सम्मान मिल जाएगा, राजस्थान के लोगों को सम्मान मिल जाएगा, तब आप सुन लो सरकार, तब आप बीजेपी की, और मैं तो कह रहा हूँ आप दिला दीजिए, तो मिल गया, कहाँ मिल गया, अरे बिल्कुल आज डिबेट के आपके पास आंदोलन, आपके पास वहां पे ज्ञापन दिए गए, आप ये बताइए धरने हुए, इस मामले में राज्य भाषा कब तक बन जाएगी, अरे बिल्कुल कब तक बन जाएगी, विषय इसलिए तो आया है, कब तक बन जाएगी, ऐसे आंदोलन ऐसे पत्र बहुत लिखे गए, मैं पत्र भी सुनाऊंगा आपको, सिफारिश सरकार के समय पत्र लिखे गए, पत्र लिखा गया है, ठीक है करणवीर जी, पत्र लिखा गया है, और अगर मान्यता मिलती है, ठीक है, और मान्यता मिलती है तो क्या दिक्कत है, अरे स्वागत करते हैं प्रयास, मैं तो कह रहा हूँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास हुआ है, ठीक है, तो स्वागत करता हूँ, चलिए, परंतु आप ये बताइए इसके अंदर रिजल्ट, तब जब आप रिजल्ट मिले तब वाहवाही लेना, ठीक है, पत्र लिखने पे वाहवाही नहीं मिलेगी आपको, राजस्थान की सरकार भाषा के लिए कांग्रेस ने बिल्कुल आज के सभी अखबार समाचार पत्र, राजस्थान की 8 करोड़ जनता इस बात की गवाह है, ठीक है, इस बात की गवाह है, मिलेगी, बात की साक्षी है कि गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कियान का प्रयास किया भाषा मान्यता दिलावा वास्ते, तो ये पूरी राजस्थान की जनता इस बात बड़ी बात ही परिचित है, बन ध्यान है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या प्रयास किए गए, पहली बार आपके यहां से कोई प्रयास हुआ है, मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, और इसको मान्यता दिला दीजिए, अब तो इंजन भी दो यथाकथन, अब भी अगर नहीं दिला पाओ तो फिर आप मत कहना कि हमने राजस्थान की जनता के लिए राजस्थान के अभिमान की बात, चैलेंज है सुमित जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि धन्यवाद इन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का दे दिया, अब ये बोल तो रहे जिसने भी प्रयास किया है, कार्य करने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनता ने जबरदस्त है, कांग्रेस की सीमा है, समय की सीमा है, दोनों को रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा आप दोनों को, मैं सुमित जी अंत में आपसे चाहता हूं कि जो चैलेंज दिया गया है कि प्रयास तो कई बार इनकी पार्टी ने भी किया है, इनकी सरकारों ने भी किया है, लेकिन आज तक मान्यता नहीं मिल पाई, क्या आपका ये पत्र जो अब चला है क्या रंग लेकर के लौटेगा? बिल्कुल ये रंग लेकर निश्चित ही रूप से लौटेगा, क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं, जो वहां से हमारी जो रिपोर्ट गई उस पे मोहर लग चुकी है, जिस प्रकार से राजस्थान में कहमचता हूं हर विषय राजनीति का नहीं होता, लेकिन कब तक बिल्कुल जल्द ही बिल्कुल अगले महीने से पहले पहले इसके परिणाम आपको सुखद मिलेंगे, और जिस प्रकार से करोड़ों कंठों को मान्यता मिलने जा रही है, जनता में एक उल्लास है, वो कहते हैं रंग रंगीलो रस भरियो प्यारो मारो राजस्थान, सोनारी धरती जठे चांदी रो आसमान, ऐसो है मेहरो प्यारो राजस्थान, तो मायड़ भाषा को जो मान्यता
मान्यता मिलने जा रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया और मैं भी करूंगा और जनता बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ में इसकी ज्ञापित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए।